हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तेलुगु शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है रिची और गाने का टाइटल है याहू याहू। इसमें प्रभास हैं, अनुष्का शेट्टी हैं और ऋचा गंगा उपाध्याय हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं कोरटाला शिवा और म्यूजिक दिया है देवीशी प्रसाद ने। इस पर्टिकुलर गाने को रिक्वेस्ट किया है बॉबी चल्ला ने। थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। तो चलिए मेरे नेक्स्ट लिरिक की शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। प्रवासी बहुत लंबे लग रहे हैं सब ग्रुप में खड़े हुए। उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है इस गाने में। बहुत यू नो हैंडसम डैशिंग लग रहे हैं। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि और भी ज़्यादा होना था, लंबा होना था गाना। एनीवेज ये प्रभास का जो कैरेक्टर है ना इस मूवी में किस तरह का है आई एम नॉट प्रेटी श्योर, बट
इस गाने को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लाइवली इंसान है, बहुत नॉटी इंसान है और यू नो अपने आसपास के लोगों को बहुत खुश करते हैं और किसी भी हद तक लाइक जा सकते हैं लाइक जिस तरह से वो लड़के को मनाने के लिए वो डांस कर रहे थे स्ट्रीट्स पे और यू नो एक केयरिंग साइड भी दिखा रहे थे कि जाके एक ओल्ड वुमेन को हग करना वो भी वो देख के बहुत यू नो स्माइल कर रही थी बाजू में खड़े होके लाइक इज लाइक स्लोली फॉलिंग इन लव या ऑलरेडी इन लव एंड शी इज यू नो वो ज़्यादा हो रहा है प्यार उसके ऊपर प्रभास के ऊपर ऋचा का या फिर शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव आई नॉट श्योर बट जिस तरह से वो देख रही थी ना उसके छोटे छोटे गेस्चर्स और जिस तरह से वो यू नो टांग खींचने वाले काम करते हैं और जिस तरह से स्माइल कर रही थी उनको देख के ऐसे ही लग रहा था इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे इस गाने में क्योंकि हर एक लुक उनको नो बहुत सूट कर रहा था जिस तरह के यू नो कपड़े पहने थे उन्होंने ओवर कोट हो जैकेट हो टी शर्ट सिंपल टी शर्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था उनके ऊपर क्योंकि ये ऑलरेडी इतने लंबे हैं जो भी पहना हो हैंडसम डैशिंग ही लगेंगे अच्छा लगा मुझे और गाना भी ठीक था यू नो हमारी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए यू नो हैप्पी गो लकी की तरह रहनी चाहिए ऐसे कुछ लाइन्स थे अच्छे लगे मुझे और लगता है ये फ्रेंड्स के साथ कहीं वेकेशन पे गए हैं कोई पार्टी के लिए गए हैं तो पूरा माहौल वही दिख रहा था अच्छा लगा और बीच में जब वो कार में जाते रहते हैं तो दो लोग दिखाई देते हैं चर्च के पास उनको बिठा देते हैं बाद में रास्ते में दो ओल्ड पीपल दिखाई देते हैं ना एल्डर पीपल तो इनको कट करके दिखाया गया था तो इनको बाहर और उनको अंदर वो अच्छा लगा लाइक ही इज़ लाइक केयरिंग पर्सन और डिपेंडिंग ऑन द यू नो एज वो रिस्पेक्ट देते हैं प्यार केयर करते हैं वो भी अच्छा लगा जिस तरह से छोटे छोटे सीन्स में पूरा उनका कैरेक्टर के बारे में दिखाया गया ना वो बहुत अच्छा लगा मुझे आई होप मूवी में पूरा वो उनका ऐसा ही होगा पर्सनैलिटी आप लोग बताएं आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत मज़ा आया मैं प्रवास की फ़ैन हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अगर आप रोने का सीन भी दोगे ना तो मैं इन्जॉय करूँगी पूरी तरह से बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऑलरेडी मैं बहुत बार कह चुकी हूँ शायद आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती तो आप लोग बताइए आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय।